हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और यार, आज हमारे साथ है ऑल न्यू टी वी एस अपाचे RTR 164 भी, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको ऑफर की गई है। बात करें अगर यहाँ पर चेंजेस की, तो यहाँ पर आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका डिज़ाइन काफ़ी चेंज हो गया है। बीच में आपको DRLs ऑफर किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पर आपको फुली LED हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको लो बीम और ऊपर की तरफ हाई बीम ऑफर की गई है। बीच में आपको DRLs की प्लेसमेंट देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छा लगता है इसका हेडलाइट का डिज़ाइन। यहाँ पर आपको TVS की बैजिंग ऑफर की गई है। बात करें अगर नीचे की, तो यहाँ पर आपको इसका मड गार्ड ऑफर किया गया है, जो कि आपको फाइबर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS की बैजिंग ऑफर की गई है। बात करें अगर ब्रेकिंग की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर 270mm की डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग ऑफर करती है। टायर साइज़ की बात करें, तो यहाँ पर आपको 17 इंच के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं विद अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की अगर बात की जाए, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको ऑफर की गई है विद कवरिंग, जो कि आपको बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करती है। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो साइड से भी काफ़ी मस्कुलर लुक्स के साथ आपको ऑफर की गई है TVS अपाचे 164 भी। काफ़ी शार्प सुक्स आपको यहाँ पर ऑफर की गई हैं। फ्यूल टैंक पे आपको यहाँ पर TVS का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। नीचे की तरफ आपको सिल्वर और रेड की ग्राफिक्स ऑफर की गई हैं, जो कि इसकी साइड प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना रही हैं। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको ब्लैक में अपाचे की बैजिंग ऑफर की गई है। बात करें अगर यहाँ नीचे की, तो यहाँ पर आपको गियर लीवर ऑफर किया गया है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर फुटरेस्ट की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड ऑफर किया गया है, और नीचे की तरफ आपको मेन स्टैंड की पोजीशन देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ भी आपको इंजन गार्ड पे हाइपर एज की बैजिंग ऑफर की गई है, और यहाँ पर आपको इसके इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। 160cc का इंजन आपको ऑफर किया गया है, जो कि प्रोड्यूस करता है 17.3 BHP और 14.73 Nm का टॉर्क। यहाँ पर आपको इसके लेग गार्ड की पोजीशन देखने को मिलेगी, और यहाँ नीचे की तरफ आपको इसका इंजन गार्ड ऑफर किया गया है, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर इसके सिंगल हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। हॉर्न का साउंड भी आपको काफ़ी प्रीमियम ऑफर करती है TVS अपाचे। बात करें अगर यहाँ पर फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स ऑफर किए गए हैं। सेंटर में आपको वाइट कंसोल देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक की अगर बात करें, तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको ऑफर किया गया है, और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश के साथ इसकी फ्यूल लीड ऑफर की गई है, तो अपने फ्यूल को आप यहाँ से रिफिल कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। बीच में आपको स्पीडोमीटर ऑफर किया गया है, और लेफ्ट साइड में आपको डिजिटल क्लॉक ऑफर की गई है, और ऊपर की तरफ आपको RPM मीटर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको फ्यूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको इसका की पॉइंट ऑफर किया गया है, यहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक कर पाएंगे। बात करें अगर यहाँ पर बटन्स की, तो काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ आपको बटन्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन, यहाँ पर आपको हाई बीम और लो बीम का बटन, यहाँ पर आपको इंडिकेटर का बटन, और नीचे की तरफ आपको हॉर्न का बटन प्लेस मिलेगा। और यहाँ बीच में आपको RTR 160 की बैजिंग ऑफर की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। सेम इस साइड भी आपको बटन्स ऑफर किए गए हैं, यहाँ से आप अपने इंजन को ऑन ऑफ कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको मोड्स का बटन ऑफर किया गया है, यहाँ से आप अपने मोड्स को चेंज कर पाएंगे। 3 मोड्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट मोड। अपने अकॉर्डिंग आप इनको यहाँ से चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको स्विच प्रोवाइड किया गया है इनको चेंज करने के लिए। फर्स्ट इन सेगमेंट आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, और नीचे की तरफ आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन ऑफर किया गया है। बात करें अगर रेयर व्यू मिरर्स की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रेयर व्यू मिरर्स ऑफर किए गए हैं, जो कि आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेंटर कंसोल ऑफर करती है TVS अपाचे RTR 164 भी। काफ़ी अच्छे काउस आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं इसके फ्यूल टैंक में, जो कि आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप ऑफर करते हैं। बात की जाए अगर सीट की, तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ आपको यहाँ पर सीट ऑफर की गई है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। कम हाइट वाले भी इसको इजीली चला पाएंगे। 800mm की आपको यहाँ पर सीट हाइट ऑफर की गई है। फीचर्स प्लस कंफर्ट का आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पीछे की तरफ भी आपको RTR 160 की बैजिंग ऑफर की गई है, और यहाँ पर आपको इसके फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लेग गार्ड ऑफर किया गया है। नीचे की तरफ आपको इसके चेन सेट की पोजीशन ऑफर की गई है। कोई भी आपको यहाँ कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। बात करें अगर इसकी रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर से भी काफ़ी अमेजिंग लगती है देखने में। काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको रेयर प्रोफाइल ऑफर किया गया है। बात करें अगर यहाँ पर इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर आपको हैलोजन में इंडिकेटर ऑफर किए गए हैं। और टेल लाइट की बात करें, तो LED में आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। यहाँ पर साइड में आपको ड्यूल टिप एग्जॉस्ट ऑफर किया गया है। एक बार आप इसके एग्जॉस्ट का साउंड चेक कीजिए। एग्जॉस्ट साउंड भी आपको काफ़ी प्रीमियम ऑफर करती है TVS अपाचे। यहाँ पर आपको RTR 164V की बैजिंग ऑफर की गई है, और यहाँ पर सेम आपको ब्लैक में अपाचे की बैजिंग देखने को मिलेगी।
यहाँ पर आपको इसके फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको इसका ब्रेक लीवर ऑफर किया गया है और यहाँ पर आपको इंजन पर भी TVS की बैजिंग ऑफर की गई है। ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पर सेम सिल्वर और रेड में ग्राफिक्स ऑफर किए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं देखने में। यहाँ पर आपको इसका लेग गार्ड ऑफर किया गया है और नीचे की तरफ सेम हाइपर एज की बैजिंग ऑफर की गई है। तो ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है, काफ़ी अमेजिंग लगती है देखने में, काफ़ी मस्कुलर लुक्स आपको ऑफर किए गए हैं इसकी साइड प्रोफाइल में भी। बात की जाए अगर TVS अपाचे की डायमेंशंस की तो यहाँ पर आपको 2035 mm की लेंथ ऑफर की गई है। विड्थ की अगर बात करें तो 790 mm आपको विड्थ ऑफर की गई है और हाइट की अगर बात की जाए तो 1050 mm आपको हाइट ऑफर की गई है। तो काफ़ी अच्छी डायमेंशंस के साथ आपको ऑफर की गई है ऑल न्यू TVS अपाचे। और अगर माइलेज की बात करें तो 45 km/h की माइलेज क्लेम करती है TVS। बात की जाए अगर TVS अपाचे RTR 164V की प्राइसिंग की तो 1,26,000 आपको एक्स शोरूम पड़ती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर के लिए आपको 3,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यही था आपकी TVS अपाचे RTR 164V का एक डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।